Hello friends, this is the T5 Android Car Player. In this video, we have discussed about how to activate EG connection or CarPlay link application. If EG connection application not activate, then how to activate. Friends, ये T5 Android Car Player है. इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हमारा EG connection application अगर activate नहीं है, तो उसको कैसे activate करते हैं. ठीक है? EG connection या फिर CarPlay link application. ठीक है? सबसे पहले देखते हैं ये हमारे में EG कनेक्शन एप्लीकेशन है कि नहीं. ठीक है, ये देखिए हमारा EG कनेक्शन एप्लीकेशन है. अगर नहीं है तो इसको कैसे इनेबल करते हैं, हम इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे देंगे कि कैसे इसको इनेबल करते हैं. सबसे पहले हम EG कनेक्शन एप्लीकेशन ओके करते हैं, देन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, हम इसको अलाउ करेंगे. देन ये देखिए हमारे आ रहा है एक्टिवेट स्टेटस इज नॉट कन्फर्म, प्लीज कनेक्ट मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क. सबसे पहले अपने मोबाइल में देखेंगे हमारा नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं और टाइम और डेट हमारा मैच है कि नहीं प्रॉपर. ठीक है, उसके बाद हम टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन टूल बॉक्स, देन इसको ये जो क्लोज है उसको ओपन कर देंगे, इजी कनेक्ट एक्टिवेशन ओपन कर देंगे. ये क्लोज था, इसको हम ओपन कर देंगे, ओपन इजी कनेक्ट एक्टिवेशन, देन अगेन इंटर इजी कनेक्शन एंड यू शो इजी कनेक्शन एप्लीकेशन इज नाउ एक्टिवेटेड. कि देखिए जो हमारे ऊपर रेड कलर की नोटिस आ रही थी, नोटिफिकेशन आ रही थी, वो हट गई, ये हमारा अब एक्टिवेट हो गया. ठीक है, अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में. इजी कनेक्शन एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं मिरर लिंक करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को, तो उसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप देख लेना कैसे इसको डाउनलोड करते हैं. ठीक है, और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से. इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें.